आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे जिनमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, जो कि उनमें से कुछ सेलेक्ट किए हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने 4 या 5 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, उन डाउट्स पे हम बात करेंगे। पहला डाउट है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी अब बिहार शिक्षक भर्ती में, न्यू वैकेंसी में PRT की वैकेंसीज होंगी या नहीं होंगी, ये एक डाउट था। आपका अगला क्वेश्चन था कि जो अदर स्टेट महिलाएं हैं उनको 82 पे सेलेक्ट किया गया है, क्या वो हटाई जाएंगी, BPSC 2.0 जो दूसरी भर्ती है वो कब आएगी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि भर्ती रद्द होगी क्या, अब ये भर्ती रद्द हो सकती है या अब इसमें क्या हो सकता है। ये 5 तरह के आपके डाउट थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आपका स्वागत करता हूँ एसटेट एस्पिरेंट दीपांशु दीक्षित में। देखिए, पहला आपका डाउट था कि वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। देखिए, वेटिंग लिस्ट का पूरा जो भी मैटर है ना, ये अब बिहार शिक्षा आयोग पर डिपेंड करता है, या कह लें बिहार शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है कि वेटिंग लिस्ट वो निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है और कई लोगों की, कई छात्रों की मांग है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र जो सीटेट अपियरिंग थे, DLED अपियरिंग थे, उन्होंने BPSC पास किया लेकिन सीटेट में फेल हैं, DLED में फेल हैं, और कई सारे नियोजित शिक्षक भी हैं जिनको हटाकर एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए, जिसमें कि कट ऑफ मार्क्स जो नीचे हैं और जो क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर कर रहे हैं उनको सेलेक्ट करना चाहिए, जो 1-2 मार्क्स से या 4 या 5 मार्क्स से रह गए हैं उनको सेलेक्ट करना चाहिए। क्या नई वैकेंसी में PRT की सीट होंगी, तो देखिए ये पूरा डिपेंड करता है बिहार शिक्षा आयोग पे। फिर से, अगर इस सीट जो BPSC 7th फेज का फेज 1 था, पहली वैकेंसी भी शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें PRT वैकेंसी थी, उसमें अगर सीट्स बचती हैं तो वो अगले में ऐड कर सकते हैं, अगर शिक्षा विभाग चाहेगा तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट तैयार किया, सीटेट अपियरिंग, DLED अपियरिंग, और कई सारे ऐसे छात्र हैं जो कि फेल हैं लेकिन इसमें पास हैं BPSC में, उनको तैयार किया गया तो DVU में छटेंगे और जिससे कि सीट वैकेंट होंगी। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आगे वैकेंसी में ये वाली सीट्स ऐड कर दी जाएं, तो चांसेस हैं कि आगे की भर्ती में आपको सीट देखने को मिल जाए। अगला एक ही क्वेश्चन था कि क्या महिला सीट में जो 82 मार्क्स को अलग किया जा रहा, तो देखिए क्या है ना, बिहार शिक्षा विभाग ने या BPSC आयोग ने 50% महिला का आरक्षण दिया है, कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। अब अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं तो उनको भी 50% आरक्षण मिला समानता के अधिकार से। अब वो महिलाएं बिहार की जनरल महिलाओं के बराबर हो गई या महिलाओं के बराबर हो गई, तो उन महिलाओं को 82 मार्क्स पे पास माना जा रहा है, तो उसी समानता के अधिकार से अदर स्टेट की महिलाओं को 82 मार्क्स पे पास माना जा रहा है। तो ये महिलाएं अब, मुझे नहीं लगता कि 82 मार्क्स वाली महिलाएं अलग होंगी, अब उनको इतने पे ही सिलेक्ट किया जाएगा। अगला डाउट था कि BPSC 2.0 कब तक आएगी, तो देखिए जिस तरह से बिहार सरकार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने की बात कर रही है ना, तो इसके बाद 1 से 2 वीक के अंदर आपको ये भर्ती देखने को BPSC 2.0 मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। ये 100% है कि आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसमें 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 की आपको पूरा वैकेंसी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि PRT की भी आपको कुछ सीट्स देखने को मिल जाए। अगला डाउट था बिहार शिक्षक भर्ती का जो ये था, इसमें जो विसंगतियां हैं छात्रों द्वारा जो दावा किया जा रहा है कि कई सारी विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए क्या ये भर्ती रद्द होगी, तो देखिए बिहार शिक्षा विभाग का ऐसा कोई मूड नहीं है ना बिहार शिक्षा विभाग भर्ती रद्द करने जा रही है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें जैसे जो DVU में बच्चे रह गए हैं और जो अन्य दावे किए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए नई मेरिट लिस्ट या नई वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग भर्ती रद्द नहीं करेगा। लेकिन कुछ छात्रों का अब कहना होगा कि बच्चे चले गए हैं कोर्ट, पटना हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से भर्ती रद्द हो जाएगी। देखिए, भर्ती रद्द नहीं होंगी, जो विसंगतियाँ छात्रों को लग रही हैं उन विसंगतियों पर विचार किया जाएगा, उनको सुधार किया जाएगा और उनके अनुसार सुधार करके नया मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट या नया रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भर्ती रद्द होगी। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।